दोस्तों नमस्कार, राम राम। मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, जैसा कि आपने काफ़ी सारे बाइक पे बने हुए जो जुगाड़ हैं वो वीडियो देखे हैं और हमने भी आपको काफ़ी सारे जो ट्रॉली के जुगाड़ होते हैं उसके बारे में वीडियो बताए हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलाने जा रहे हैं जो पिछले काफ़ी समय से इस ट्रॉली का उपयोग कर रहे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरीके से इसे बनाया और अगर आप इस ट्रॉली को बनाते हैं तो क्या ये आपको फ़ायदा देने वाली है और किस तरीके से आप इसे रोज़गार भी उत्पन्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का। तो सर, आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर, और जो दर्शक आपको सामने से देख रहे हैं उन्हें आप थोड़ा अपना परिचय बताइए। मेरा नाम प्रवीण कुमार खटीक है जी, और मैं नेगड़िया का रहने वाला हूँ, चित्तौड़गढ़ जिले के जी। तो आपने पढ़ाई कितनी करी है? मैंने एमए कर रखी है। एमए कर रखी है। तो सर, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आपने एमए करने के बाद आप सब्जी का काम जैसे कर रहे हैं और आपने बाइक पे जुगाड़ बना के काम कर रहे हैं, तो कब आपने इसकी शुरुआत की थी और इसे कहाँ से बनवाया? सर, मैं रोजगार के लिए बहुत भटका जी, और फिर मैंने ये चित्तौड़गढ़ जिले के कृष्णा कृषि यंत्र बसंती लाल जी मालिक के यहाँ से ये जुगाड़ मैंने बनवाया जी, और ये अच्छा चल रहा है जी, और कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से चलता है और हर चीज़ इसकी मार्केट में अवेलेबल है और ऑटो पार्ट्स के यहाँ सारा सामान इसके मिल जाते हैं, तो कोई तकलीफ नहीं है चलने में जी। तो उसके बाद जैसे आप बताइए कि आपको कितना समय हो गया इसे बनाए हुए? मेरे को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। हाँ। तो 3 साल से आप इस पर कौन सा काम कर? मैं ये सब्जी का धंधा करा, दूध बेचा इस पर जी, और ये सब्जी का बिजनेस किया और इस पे किराना की दुकान लगाई जी, इस पे चाय पानी का गल्ला लगाया मैंने, इस पे मैंने डीजे लगवाया, डीजे की बंदोली निकाली, सारा काम अच्छा चल रहा है जी। हाँ। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं इस पे आपने सब्जी भरी हुई है, हरी सब्जी, तो काफी अच्छा इस पे आपने वजन डाल रखा है, तो अभी इसके ऊपर आपने कितना वजन आप इस पे रोज ले जा सकते हैं उसके बारे में आप थोड़ा सा? 4 क्विंटल से 5 क्विंटल ले जा सकते हैं जी, आराम से ले जा सकते हैं। एक बार में आप 4 से 5 क्विंटल इस पे वजन? हाँ, आराम से वजन ले जा सकते हैं इसमें। तो जैसे आप पिछले 3 सालों से इसे चला रहे हैं, तो इसकी सर्विस कैसे रहती है, इसका मेंटेनेंस क्या रहता है उसके बारे में? इसकी सर्विस सर बहुत अच्छी रहती है और इसका मेंटेनेंस भी बहुत अच्छा है जी। इसको चलाने में कोई दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसानी से चलती है जी, और इसके सारे जो पार्ट्स है वो मार्केट में अवेलेबल है, तो और कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आराम से चलती है। जैसे आप इसे चलाते हैं तो कितना आपका लगभग डेली का इस पे खर्चा आता है उसके बारे में? ये लगभग एवरेज देती है 35 से 40 के बीच में जी, एवरेज देती है और कम पैसों में आराम से घर गुजारा चल सकता है इससे। तो जैसे आप पिछले 3 सालों से इसे चला रहे हैं, जैसे अभी आप सब्जी का धंधा कर रहे हैं, तो सब्जी बेच के आप इस जुगाड़ के माध्यम से महीना कितना कमा सकते हैं उसके बारे में? महीना का 35,000 मैं कमा लेता हूँ, आसानी से आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मतलब काफी अच्छा, जो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए काफी अच्छा है, बहुत लोग आकर्षित हो रहे हैं और हर आदमी ये गाड़ी बनाना चाहता है जी। तो जैसे आप थोड़ा हमें ये बताइए, जो आपने बाइक इसमें लगाई है वो कौन सी मोटरसाइकिल है? वो स्प्लेंडर प्लस जी, स्प्लेंडर प्लस हीरो होंडा। तो आपने ये जो ट्रॉली बना रखी है वो कितनी लंबाई चौड़ाई की है थोड़ा सा उसके बारे में? ये तो सर 5 फीट है, 5x5 की है। 5x5। हाँ। उसके बाद जैसे मैं देख पा रहा हूँ आपने इसके ऊपर स्पीकर भी लगा रखे हैं। स्पीकर लगा रखा है, पंखा लगा रखा है, टेप लगा रखी है, यहाँ कांटा सेट कर रखा है और सारा काम व्यवस्थित है, एलो व्हील है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलने में भी बहुत अच्छी चलती है जी। तो जैसे किसान भाई अगर वहाँ से इसे बनवाना चाहे तो आप क्या कहना चाहेंगे? तो सर आराम बनवाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप इससे ऑनलाइन भी घर बैठे मंगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जैसे आप इस गाड़ी से कितना संतुष्ट है? मैं इस गाड़ी से 100% सर संतुष्ट हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, आराम से चलती है। तो जैसे कोई किसान चाहे कि मैं खेती का काम करता हूँ, थोड़ी सी खेती है, मैं कोई सामान ले जाना चाहता हूँ, लाना चाहता हूँ खेत पे, जैसे खाद के गट्टे हो गए, तो वो क्या किसान भाई वो काम इससे कर सकते हैं? इसमें वो सक्सेस है, बेरोजगार आदमी इसमें रोजगार आराम से कमा सकता है और कम पैसे में आदमी बिजनेस कर सकता है और कम खर्चा आता है और इसका मेंटेनेंस सस्ता पड़ता है। अच्छा, कम मतलब एक तो जैसे बाइक हो गई तो इसे सर्विस के लिए दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, मतलब आराम से सुविधा है, बाइक जो शोरूम है वहीं से इसकी सर्विस हो जाती है। तो सर आपने काफ़ी चीज़ जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अगर आप इसके बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो सर के जो नंबर है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएंगे, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।